हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया न्यू फैशन। तो आज मैं आपको डबल डोरी वाली पाइपिंग बनाना बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ले लिया है कपड़ा, ये उड़ेब कपड़ा मैंने कट कर लिया है, ये उड़ेब कपड़ा मैंने कट कर लिया है 2 इंच पे। तो आपको भी 2 इंच पे ये उड़े टाइप में कपड़ा कट कर लेना है और इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है आपको समझाने के लिए। और ये मैंने धागा लिया है ये डोरी पाइपिंग बनाने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको पाइपिंग बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये मैं ये सिंगल फुट से ये पाइपिंग बनाऊंगी। ये सिंगल फुट से अच्छी बनेगी, ये आप देख सकते हैं। इसी टाइप में आपको भी लेना है सिंगल फुट, ये आप देख सकते हैं। इसी फुट से मैं पाइपिंग बनाऊंगी, तो मैं आपको बता रही हूँ। इसको पहले पेचकस की मदद से सेट कर लेना है, इस तरह से डबल फुट को खोल लेना है। तो ये मैंने डबल फुट को खोल लिया है और ये सिंगल फुट इस पे सेट कर रही हूँ। तो मैंने ये सिंगल फुट सेट कर लिया है। अब हमें धागा ले लेना है इस तरह से, जितनी भी इसकी लंबाई है उसकी लंबाई को लेकर इसको कट कर लेना है यहाँ तक। तो मैंने ले लिया है, ये मैं दो कलर के पाइपिंग बना रही हूँ, दो कलर के कपड़े की। तो सबसे पहले धागे को इस तरह से रखना है, इसके अंदर में इस तरह से धागे को इस तरह से रख लेना है और इसको इस तरह से मोड़ लेना है, इस तरह से मोड़ लेना है। ये मैं अंदर में धागा, ये दोनों कपड़े के बीच में धागा रख लिया है। अब मैं यहां से सिलाई लगाऊंगी। ये मैं धागा दूसरे कलर की यूज कर रही हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैं दूसरे कलर की धागा यूज कर रही हूं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक पाइपिंग बना लिया है, ये कितनी अच्छी पाइपिंग बनी है ये आप देख सकते हैं। अब मैं दूसरी बनाऊंगी, अब मैं इस पे धागा रख के ये दूसरी पाइपिंग बनाऊंगी। तो दूसरी भी मैं बना रही हूँ, सेम तरीके से दूसरा भी बनाना है। कट
तो आप देख सकते हैं ये भी पाइपिंग बन चुकी है। ये धागा मैंने दूसरे कलर का यूज किया था ताकि आपको अच्छे से पता चल सके, इसलिए मैंने ये दूसरी कलर की धागा यूज किया था। अब हमें क्या करना है, ये जो बचा हुआ कपड़ा है यहाँ से कट कर लेना है। या यहाँ से मैं कट कर ले रही हूँ, आपको भी इसी तरह से कट कर लेना है। तो ये मैंने कट कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कट कर लिया है मैंने। तो ये बड़ी वाली जो पट्टी है, ये जो ज्यादा चौड़ी पट्टी है उसको हमें नीचे रखना है, और ये जो छोटी वाली पट्टी है उसको इस तरह से इसके ऊपर रखना है। इस तरह से आपको रखना है। यहाँ ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको दोनों को इस तरह से रखना है, और यहाँ से आपको सिलाई लगाना है। तो मैं लगा के आपको बता रही हूँ सिलाई, देखिए यहाँ से आपको इस तरह से रखना है और यहीं से सिलाई चलाना है। दोनों को इस तरह से सटाकर आप ये देख सकते हैं ये कितनी अच्छी पाइपिंग बनी है दो कलर की। इसकी लंबाई मैंने छोटा लिया था आपको समझाने के लिए, आप इसकी लंबाई अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पाइपिंग बनी है, इसे आप ब्लाउज के नेक में लगा सकते हैं, सूट के नेक में लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पाइपिंग बनी है, आप देख सकते हैं। तो थैंक यू।